सुप्रभात। आज वर्ग नाइन्थ के दो बैलों की कथा हम लोग पढ़ेंगे, जो कलम के सिपाही कहे जाने वाले कथाकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। इन्होंने इस कहानी में, इस कथा में दो तथ्यों पर प्रकाश डाला है, दो बिंदु पर प्रकाश डालने का कोशिश किया है, जिसमें पहला बिंदु यह है कि जानवर भी, पशु भी प्रेम स्नेह के पात्र होते हैं और वे मनुष्य उतना ही प्रेम करते हैं जितना मनुष्य उनसे करता है। दूसरा बिंदु पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि स्वतंत्रता के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष किए किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि वह समाज के सारे अत्याचारों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। गधा के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता है, काम पूरा करता है, भर दिन काम करता है। तो स्वतंत्रता के लिए हर जीवों को संघर्ष करना चाहिए। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल एक दूसरे को भी बहुत प्यार करते थे, एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ निकालते थे। अपने दिन भर काम किए हुए बोझ या दिन भर काम किए हुए थकानी एक दूसरे को चाट कर करके मिटा लेते थे। झूरी भी कभी उसको पीटता नहीं था, बहुत प्यार करता था। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया अपने काम करने के उद्देश्य से, अपने घरों में काम करने के उद्देश्य से, अपने घर के काम करने के उद्देश्य से बैलों को ले जाने के लिए आया।
झूरी अपने बैल को दे दिया। जब झूरी बैल को दे दिया गया, बैल को ले जा रहा था, दोनों बैलों को ये पता नहीं कि आखिर ये कहाँ हमें ले जा रहे हैं। दोनों बैल रास्ते में तंग किया, एक बाएं भागता था तो दूसरा दाएं। रास्ता में गया भी दोनों बैलों को काफी पिटाई की, लेकिन किसी तरह से जब वहां पहुंच गया तो उसे रूखा सूखा नाद में डाल दिया। रूखा सूखा डालने पर जबकि भूख लगी हुई थी, लेकिन नाद में मुंह तक भी नहीं दिया, उसे सूंघा भी नहीं। रात्रि में दोनों वहां से भाग गए। सुबह आकर नाद पर दोनों खड़े हो गए। जब झूरी अपने बैलों को देखा तो प्यार से उसे पीठ थपथपाने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी गया देखकर जल भून गई। उसको बड़ा बुरा लगा, दोनों बैल कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां से भाग गए। वह सूखी या सूखा भूसा उसके नाद में डाल दी। दोनों बैल सूखा भूसा भी खूब खाए। अगले दिन पुनः गया, वहां पहुंच गए और दोनों बैल को इस बार गाड़ी में जोतकर ले गए। गाड़ी ले जाते समय रास्ते में मोती गड्ढे में गिरा देने के लिए अपने ओर खींचा, परंतु हीरा बड़ा समझदार था, हीरा नहीं चाहता था कि जानवर पर इस प्रकार का कलंक लग सके। रास्ते में तो खूब पीटा, किसी तरह घर पहुंच गया। दिन भर उससे सख्त काम लेने लगा। खूब काम लेता था, लेकिन शाम को रूखा सूखा डाल देता था और मोटा रस्सी से उसे बांध देता था। बेचारे क्या खाए, जीने के लिए कुछ खाता था, लाचार हो कर करके या लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहता था। गया के घर में एक छोटी लड़की थी, उसे दोनों पर होते अत्याचार को जब देखती थी उसे बहुत
बुरा लगता था। रात्रि में चुपके से दोनों को रोटी खिला देती थी। इस प्यार को देखकर दोनों बैल अपना मान और अपमान सब भूल जाते थे। जानवर कितना वफादार होता है समझ सकते हैं, लेकिन इस रोटी से क्या होने वाला था। एक दिन मोती रस्सी चबा रहा था, वैसे ही छोटी लड़की गया के घर में रहने वाली छोटी लड़की देख ली और उसे आजाद करने के लिए उसका पघा ही उसका रस्सी ही खोल दी। दोनों बैल भाग खड़े हुए। और गया की लड़की सूचना दे दी कि बैल भाग गए। तुरंत गया उसके पीठ पर दौड़ने लगा, उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन दोनों बैल इतना तेजी से भाग रहे थे कि गया उसे पकड़ नहीं सका। अब दोनों आजाद थे, दोनों स्वतंत्र थे। जैसे कुछ दूर आगे जाते हैं तो रास्ते में एक हट्ठा कट्ठा सांड दिखाई देता है। सांड भी इन दोनों को देख कर करके उसे मारने के उद्देश्य से तेजी से दौड़ा। दोनों संभल गए, दोनों साहस बढ़ाए और सांड को लगा कि हम इन दोनों को परास्त कर देंगे, लेकिन संगठित हुए शत्रु से लड़ने का उसे तजुर्बा नहीं था। जैसे ही एक के पर वार किया तो दूसरा उसको पीछे से सिंह से वार कर देता था। इस प्रकार से उसे लगा कि अब हमें ही वह ये दोनों मार भगाएंगे। वो भागने लगा, वह सांड भागने लगा। मोती कुछ दूर तक पीछा किया लेकिन हीरा मना कर दिया। दोनों आगे खुशी से बढ़ने लगे। जैसे कुछ दूर गए तो मटर के हरे हरे खेत देखे, उसमें लंबी लंबी बालियां लगी हुई थी। भूख तो लगे हुए ही थे दोनों को, और बस क्या था, मटर के खेत में दोनों घुस गए, खाने लगे। पेट भरा ही नहीं था कि खेत के रखवाला वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ने के बाद हीरा और मोती को
कांजी हाउस में ले जा करके बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में वहां का दृश्य देखकर उन लोगों अवाक रह गए। कांजी हाउस में भैंस घोड़ियां गधे थे, सभी के सभी शक्तिहीन पड़े हुए थे, क्योंकि वहां चारे पानी का व्यवस्था नहीं था। इन लोगों को लगा कि हम दोनों कहां फंस गए। मोती ने हीरा से कहा कि यदि दीवार गिरा दिया जाए तो हम लोग भाग सकते हैं। मोती सिंह से वार किया, दीवार का कुछ मिट्टी गिरी, साहस दुगना हो गया। फिर वार किया, कुछ छेद हुआ, फिर हीरा वार किया, एक ओर से कुछ गिर गया। फिर वार किया, दीवार का पूरा भाग गिर गया। दीवार का भाग गिरते ही रास्ता बन गया। पहले घोड़ियां भागी, भैंसे भागे, फिर बकरियां भाग गई। गधा निष्प्राण होकर पड़ा हुआ था, लेकिन गधे को सिंह मारकर उसे भी भगा दिया गया। मोती हीरा को भागने के लिए कहा कि हम लोग भी भाग चले, तू भी भागो, लेकिन हीरा मना कर दिया। क्या था, सुबह कांजी हाउस वाले पहुंचे, देखे तो आश्चर्य हो गए, ये सभी जानवर भाग गए, ये दोनों कैसे रह गए। हीरा मोती को नीलाम करने के लिए ऊंच बोलियां लगाई गई। एक लाल लाल आंख वाले डढ़ियाल व्यक्ति ऊंच बोली लगा करके हीरा मोती को ले लिया। उसका चेहरा देखते ही दोनों का हृदय कांप गया। वह व्यक्ति उसे अपने घर की ओर ले जा रहा था। रास्ते में अन्य जानवरों को बैठकर प्रसन्न मुद्रा में जुगाली करते देखकर दोनों को अपने आप पर तरस आता था। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे जाना हुआ रास्ता दिखाई दिया, जाना पहचाना रास्ता दिखाई दिया। इसी रास्ते से तो गया, गाड़ी में जोत कर हम लोगों को ले गया था। साहस उसका दुगना होने लगा, चाल कुछ तेज किया। वह व्यक्ति पीछे पड़ गया, दौड़ते दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते अपने गांव में आकर अपने नाक पर आकर खड़ा हो गया। बाहर दरवाजे पर झूरी
था अपने बैलों को नाव पर देख करके गले लगा लिया, लेकिन तुरंत उधर से वह टढ़ियाल व्यक्ति, वह आदमी पहुंच जाता है। जब वह आदमी पहुंच जाता है तो मोती ने न आव देखा न ताव देखा, झट से सिंह लगा दिया। जब झट से सिंह लगा दिया वह जान बचाकर भागने लगा, भाग गया, फिर कभी नहीं आया। झूरी दाना भूसा से, दाना भूसा चोकर से उसका नाद भर दिया, पीठ थपथपाने लगा। और झूरी की पत्नी भी आकर के दोनों बैलों का माथा चूम लिया। यह कहानी बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, जो पशु और मनुष्य के बीच प्रेम को दर्शाता है। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो समस्या होगा उसे हम बतलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।